नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज हम बात करने वाले हैं पांच भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जो कि रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं पैरालंपिक्स 2020 में देश का। और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेडल लेकर आएंगे इस आगामी पैरालंपिक्स 2020 के संस्करण में जो कि टोक्यो में ही होगा। अभी कुछ दिनों में वो भी शुरुआत हो जाएगी, तो हम एक एक करके वो नाम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज भी स्पोर्ट्स क्रेजी को फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लें, जहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स के लेटेस्ट इवेंट्स और न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन जो होती है उससे हम लोग अवगत कराते रहते हैं। इसके अलावा जो भी फ्यूचर में इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे हमारे स्पोर्ट्स क्रेजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर वाया पोस्ट वाया स्टोरीज हम आपको देते रहेंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो वीडियो आपको दिख रही है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, उसी लिंक में एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप वीआर स्पोर्ट्स क्रेजी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंचेंगे, और जैसे आप पहुंचेंगे आपको फॉलो के बटन पर प्रेस करना है। जैसे आप फॉलो के बटन पर प्रेस करेंगे तो आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपका हमारा साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बरकरार है। ठीक है, तो मैं पांच खिलाड़ियों का फटाफट नाम लूंगा जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे इस आगामी पैरालंपिक्स 2020 के संस्करण में। तो सबसे पहला नाम जो यहाँ पर आता है वो आता है देवेंद्र झरझरिया का। देवेंद्र झरझरिया आपको पता है 2016 में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भारत को गोल्ड दिलाया था उन्होंने जैवलिन थ्रोअर में, लेकिन यही होता है कि उनका नाम उस तरीके से उठा नहीं मीडिया में, उनका नाम उस तरीके से फैंस ने उठाया नहीं। हमें उठाना चाहिए बिकॉज ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं और ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में करता है। सो देवेंद्र झरझरिया पहला नाम है जिन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता ही है, जैसे मैंने आपको रियो का बताया। उन्होंने अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ था मेंस जैवलिन थ्रोअर का 14 सितंबर को जो लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया था, तो देवेंद्र झरझरिया का नाम तो डेफिनेटली आता है सूची में। दूसरा नाम जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे उनका नाम है मरियप्पन थंगवेलु, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस हाई जंप में जो लास्ट ईयर टूर्नामेंट हुआ था 9 सितंबर को, वहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके एक दिखा दिया था लोगों को कि आई एम इन गुड फॉर्म, आई एम इन गुड स्पेस और मैं जबरदस्त प्रदर्शन करूंगा। सो डेफिनेटली मरियप्पन थंगवेलु को आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद जो मैं अगला नाम लेने वाला हूँ वो नाम डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, वो भी नाम जैवलिन की ही फील्ड का है और उस खिलाड़ी से भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसका नाम संदीप चौधरी है, जिन्होंने ग्रेटली परफॉर्म किया है जो भी टूर्नामेंट्स अहेड ऑफ पैरालंपिक्स उन्होंने परफॉर्म करके आए हैं और उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी सेट किए हैं। इसलिए डेफिनेटली संदीप चौधरी एक ऐसा नाम है जिस पे आपको यकीन करना चाहिए, जिन पे आपको बिलीव करना चाहिए और जिनको आपको भूलना नहीं चाहिए, ये भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। बात शूटिंग की करते हैं, शूटिंग में हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगी। एक का नाम है रूबीना फ्रांसिस जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और दूसरा नाम है अवनी लेखारा, यानी पांचवा नाम जो है अवनी लेखारा का है जिन्होंने क्वालिफाई किया है व्ही चेयर शूटिंग इवेंट्स में, जो कि अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है। और ये जो पांचों खिलाड़ियों का मैं नाम ले रहा हूँ, बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अब देवेंद्र झरझरिया हैं, देवेंद्र झरझरिया के बाद मरियप्पन थंगवेलु हैं, उसके बाद संदीप चौधरी का नाम है, संदीप चौधरी के बाद रूबीना फ्रांसिस का नाम है और अवनी लेखारा, ये पांच ऐसे नाम हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिलीवर करेंगे पैरालंपिक्स 2020 संस्करण में और ये हाई कंटेंडर है मेडल जीतने के। अगेन मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन सबसे होती है, लेकिन कुछ हाईएस्ट कंटेंडर के खिलाड़ी होते हैं और ये पांच को खिलाड़ी हैं। सो इनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पैरालंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनको उसी तरह से सपोर्ट करें जैसे आप एक ओलंपिक्स के प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दें। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित।